ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि भाई आज फाइनली हमारे ग्रुप में एक बंदे की शादी होने जा रही है, सागर भाई की, जो फैजाबाद का सागर है, उसकी आज शादी है। मुझे कह रहा हूँ सच में, लिटरली मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि किसी अपने ग्रुप में किसी एक बंदे की शादी हो रही है। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है इसी बात पर। अपन लोग सारे दोस्त लोग आज जाएंगे शादी में, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, मेरे सारे दोस्त खुश हैं, जितना मैं खुश हूँ उतना वो भी खुश है। तो अभी मैं निकलूँगा 7 बजे के आसपास, अभी हो रहा है, टाइम हो रहा है 5:45 इन द इवनिंग, अभी शाम के। सीन यही है भाई, मतलब आज तो ना मज़ा आएगा सच, मेरी हंसी से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि मैं कितना खुश हूँ। और हाँ, कल भी मैंने ब्लॉग किया था, बट वो ब्लॉग बीच में अधूरा रह गया, मैंने उसके आगे किया नहीं, क्योंकि कल मैं अपना टैटू ट्रांसफॉर्मेशन करवाने गया था, बात भी हो गई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सीन ये हुआ कि मतलब बहुत अच्छा मुझे सजेशन दिया, क्योंकि जो मेरा ये टैटू ना ख़राब हो गया, अब उस पर दूसरा एक टैटू बनाने के लिए थोड़ी सी उसकी साइज़ बड़ी करनी पड़ेगी। तो क्या था भाई, मैं तो बना दूंगा, लेकिन वो वियर्ड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, आपके पूरे नेक पे वो दिखेगा तो बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। तो ऐसा करो, उसको ऐसा करो, लेज़र ट्रीटमेंट से उसको हटवा दो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना चलो, जब इतना अच्छा सजेशन दे रहा है, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, अगर कोई बता रहा है तो क्यों ना उसकी बातों को सुना जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2-4 दिन के अंदर अपन जाएंगे लखनऊ, वहीं पे लेजर ट्रीटमेंट करके मैं इसको निकलवा दूंगा, फिर इसके बाद से कोई नेक पे टैटू वैटू नहीं रहेगा। हो सकता है मे बी इन फ्यूचर मैं और कहीं हाथ वगैरह पे, चेस्ट पे, कहीं पे भी बैक में बनवाऊँ, बट नेक पे इसके बाद नहीं बनवाऊँ। ये मेरा बनवाया था 2013 में, मुंबई में बनवाया था, वो भी फोटो देख लो, इधर साइड में आ रहा है, जिस दिन मैंने बनवाया था, जूहू चौपाटी के पास का वो फोटो है। मुझे उस टाइम कुछ पता नहीं था, मैंने बस बनवा लिया, और जो डिज़ाइन बताया था वो शायद वो भी नहीं बना, वो कुछ और ही बना दिया उटपटांग। अभी टैटू है, एक बार बन गया तो फिर हटेगा नहीं, लेजर से हटेगा, तो उस टाइम मुझे मालूम था कि लेजर भी आता है। अभी मैं उसको हटवाऊंगा, 2-4-5 दिन के अंदर मैं लखनऊ जाके उसको क्लीन करवा दूंगा, फिर उस पर कोई टैटू नहीं रहेगा, सीन यही है। और हाँ, हमारे पास एक गिफ्ट आया है, उसकी अनबॉक्सिंग तो करना है, क्योंकि अपन ये यूट्यूब पे ना जो परंपरा है भाई कि कुछ भी आए, छोटी से छोटी चीज़ आए वो अनबॉक्सिंग करो। तो गिफ्ट मेरे आंखों के सामने है, अभी उसे खोलूँगा, कल खोलूँगा, इतना तो मुझे पता ही है, बट इसी ब्लॉग में वो अनबॉक्सिंग होगा। और मिलते हैं तैयार होके। मैं क्या सोच रहा था कि यार तैयार होना क्या यार, क्यों ना अपन ऐसे कुछ ऐसे चुटकी बजाएं और तैयार हो जाए यार, यही ना यही कला होती है YouTube पे दिखाने की, ठीक है। और YouTube पे क्या दिखा सकते हैं, मधारी बन के नाच सकते हैं, तो वही अपन कर रहे हैं। अभी मैं तैयार हो गया, पूरे गेटअप में हो गया, बस शूज़ पहनना है मेरे को और निकलना है, हर तरफ से आगे पीछे सब तरफ से मुझे फिट आता है एकदम अच्छा, तो बढ़िया है। कैसे भी करके पैसा डालना यार, रखा ही रहे, क्योंकि ये सब कपड़े ना वेडिंग्स में अपन पहन के जा सकते हैं, कोई छोटी मोटी पार्टी में नहीं। तो हमने कहा चलो पहनते हैं आज। मैं बहुत ज़्यादा लिटरली सच में कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बाकी बातें करते हैं। Yeah.
few moments later. तो तुषार भाई अपने बाबू को मैसेज भेजते हुए, बाबू मैं शादी से लेट आऊंगा, 4 बज जाएंगे। A few moments later.
All right, ladies and gentlemen, तो अभी शाम के हो रहे हैं 5:39 in the evening, अभी शाम के हो रहे हैं 5:40 हो गया खैर। तो बात भाई ये है कि रात में अपन लोग आए 2 बजे के आसपास घर पे, और यार शादी से आने के बाद टाइम हो जाएंगे, सो गया मैं और सुबह उठा 11 बजे। भाई 11 बजे मैं जाके उठा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था नाच वाच के पूरा, मेरा नेक अभी भी दर्द हो रहा है, लिटरली मेरा अभी नेक दर्द हो रहा है और हर तरफ से मेरी बॉडी पेन कर रही है। बात यह है कि बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने शादी में, अब अपन को अनबॉक्सिंग करना, जो मेरे को गिफ्ट मिला है भाई उसकी अनबॉक्सिंग करनी है, तो क्यों ना चलो अनबॉक्सिंग करें। बाय द वे मैंने उसको खोला तो नहीं अभी, लेकिन अनबॉक्सिंग करके खोलेंगे, दिखाएंगे आपको जो भी है जैसा भी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी बहन ने मेरे को इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया, मेरे को गिफ्ट दिया, जो मेरे को ज़रूरत था वो मिला मेरे को, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी फटाफट अपन उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और हाँ यार, शादी में ना बहुत ज़्यादा मैंने व्लॉग नहीं किया, बस डांस वगैरह जो हम लोग शूट कर रहे थे वही कर रहे थे, उतने में आप लोग को इन्जॉय मिल गया होगा जो भी है जैसा भी है, क्योंकि यार वहाँ पे व्लॉग करना इम्पॉसिबल था, बहुत ज़्यादा लाउड था वहाँ पे, नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, डीजे बज रहा था, तो इसलिए व्लॉग वहाँ पे हुआ नहीं। बाय द वे जो भी किया डांस वगैरह ही किया अपन लोगों ने, इन्जॉय फुल किया, मज़ा आया, और बस इतना ही। अभी फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं, अपना गिफ्ट दिखाते हैं। वैसे जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया उनको पता होगा कि क्या मुझे मिला है, जिन्होंने नहीं किया तो फटाफट जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स इन स्टोरीज वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो जाओ अभी फटाफट फॉलो कर लो, सेहत के लिए और आपके लिए दोनों के लिए। ठीक है अभी चलो अनबॉक्स। सो दिस इज़ माई गिफ्ट, रिंग लाइट, डिजिटेक कंपनी का है। देखो मैं ना कोई प्रोफेशनल रिव्यूअर नहीं हूँ, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी बस मैं उसको अनबॉक्स करता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, मेरी खुशी के लिए, आप लोग की थोड़ी बहुत खुशी के लिए, तो मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। ठीक है अभी इसको करते हैं अपन अनबॉक्सिंग। अभी भी ये रैप है, फिर मैंने इसको ओपन नहीं किया है, तो अपन चक्कू लाते हैं काटने के लिए। ये वायर है जिससे इसको जलाने का है, और ये होल्डर है, ये भी इसका होल्डर है, और ये मोबाइल माउंट है। ठीक है इसमें अपन मोबाइल को लगाएंगे, होल्डर है, वायर लग चुका है, तो ये कुछ जलाते हैं इसको, चिंखा रहा दिखाना, अपन दिख रहे हैं ना एकदम। सो देख रहे हैं भाई मेरे आंखों में छल्ला बन गया, और थोड़ा सा हाँ मानता हूँ कि सैचुरेशन जो है लाइट ना वो थोड़े से थोड़ा सा अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होगा GoPro, क्योंकि इसका ISO इतना जल्दी लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो थोड़ा सा मेरे यहाँ पे फेस पे कहीं पे भी चमक आ रहा होगा। DSLR वगैरह में उसमें हो जाता है तुरंत वो सिचुएशन ऊपर नीचे कर लेता, लेकिन GoPro में ये चीज़ नहीं है, कभी मतलब होता ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन तुरंत नहीं करता वो, थोड़ा उसमें टाइम लगता है, और DSLR वगैरह में कंट्रोल में कर लेता है, इसमें नहीं होता, क्योंकि ये एक्शन कैमरा वो एक शूटेबल कैमरा रहता है, तो उसका चीज़ अलग है, वो उसमें सेटिंग्स वगैरह अलग है, इसकी सेटिंग्स बिल्कुल अलग है। बाय द वे बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं एक बारी तेज करके दिखाता हूँ लाइट, देखो ये हो गया तेज, मैं दूर जाऊँगा तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेगा लाइट मेरे फेस पे, लेकिन जब मैं नज़दीक आऊँगा तो यहाँ इधर मुझे बहुत ज़्यादा चमक आएगा, है ना, तो अभी मैं इसको डाउन करूँगा, थोड़ा सा चमक कम हो जाएगा शायद, क्योंकि अभी मैं देख नहीं सकता ना, आप लोग भी देख सकते हैं। सो इतना अच्छा मुझे गिफ्ट देंगे, थैंक यू सो मच माय डियर सिस्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जिसने मुझे दिया, मेरी बहन ने खैर दिया, मैं नाम नहीं लूँगा, दिलों की गहराइयों से शुक्रिया। आज के लिए बस इतना रखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शादी का कोई भी पार्ट अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में जाओ, उस हिस्से का कोई देख के आप कमेंट करो कि हाँ वो पार्ट मुझे अच्छा लगा, तो मुझे खुशी मिलेगी, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, बाकी सब बढ़िया। और 4 या 5 तारीख में अपन जाएंगे लखनऊ अपने इस टैटू को लेज़र ट्रीटमेंट से निकलवाने, तो उसके ऊपर भी अपन व्लॉग करेंगे, वो भी मिलेगा शायद तक श्योर नहीं हूँ शायद। चलिए तब तक के लिए अडियोस अमिगोस, सब खैर, बाय बाय।